हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद सज्जाद जलाली साहिब, जो कि नायब सदर हैं जमात जलालिया के, जिला गुजरात के। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जी। हजूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जी हजूर, आपकी जो आज हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसके बारे में आपके क्या तासुरात हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जमात जलालिया पाकिस्तान हर साल ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जानशीन रसूल हैं, अफजल बशर बाद अल-अंबिया, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में हर सतह पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंसिस का हर साल इनेकाद करती है। ये जमात जलालिया के मंशूर में, एजेंडे में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले चंद सालों से जो एक पाकिस्तान में एक फिज़ा बनी हुई है तकफीरियत की, फितनाबाजी की, फतवेबाजों की, ऐसी सूरत हाल में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी अजीम शख्सियत भी लोगों के तन व तशनी से महफूज नहीं है। तो जानशीन हुज़ूर हाफिज़ुल हदीस कासिम फैज़ान सरहंद बरेली, हुज़ूर शेखुल हदीस पीर सैयद मुफ्ती मोहम्मद नवीदुल हसन शाह साहब का विजन और उनकी सोच ये है कि संजीदा बुनियादों पर और जी पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा करके, अहले सुन्नत की तमाम क़यादत को इकट्ठा करके, संजीदा लोगों को इकट्ठा करके सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सीरत को उजागर किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी शख्सियत की, उनकी अच्छी चीज़ों से जो है वो वाकफियत हासिल कर जी सकें। बहुत शुक्रिया।